इस वीडियो में मैं आपको पैड वाली ब्लाउज वह जिसकी बैक साइड में हुक लगाए जाते हैं उसकी कटिंग वह सिलाई करने का तरीका बता रही हूँ। उसके लिए हमें सबसे पहले अस्तर पर ब्लाउज काटनी होती है। जैसे कि ये हमारा अस्तर है, इसमें हमें पहले आगे और पीछे के दोनों पीस कटिंग करके उसके बाद ब्लाउज की कटिंग करनी होती है। ऐसे जैसे कि ये डबल कपड़ा है, इसको ऐसे मोड़ के जैसे कि हमें ब्लाउज की लंबाई 14 इंच तैयार करनी होती है, उसके लिए हमें ऐसे 16 इंच पर निशान लगाना होता है। इसके लिए आधा इंच सिलाई में आ जाती है और 1.5 इंच नीचे से फोल्ड हो जाती है। इसके कंधों के लिए हमें 6 इंच पर निशान लगाना होता है और मुड्डों की लंबाई के लिए भी इसका हम 6 इंच पर ही निशान लगाएंगे। और जैसे कि हमें चौड़ाई 36 इंच तैयार करनी होती है, उसके लिए हमें 10 इंच पर निशान लगाना होता है। अगर आपको ब्लाउज 40 इंच तैयार करनी होती है तो आपको 11 से 11.5 इंच पर निशान लगाना होता है। उसके लिए हम 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। इससे हम फिर ये ऐसे निशान को एक दूसरे से ऐसे मिला लेंगे। ऐसे इसके बाद जो हमारे मुड्डे हैं इनके लिए हमें ऐसे 1 इंच का निशान लगाना होता है, इस कोने से इस कोने तक 1 इंच का। इसको ऐसे मिला के ऊपर से ऐसे थोड़ी गोलाई करके दोनों निशान को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। इसके बाद इसको काटना होता है। ये हमारे दोनों बैक वाले पीस हो गए। इसके बाद हमें आगे का पीस निकालना होता है। आगे के पीस के लिए हम ऐसे ही इस पीस को इसके ऊपर रख के इस पीछे वाले पीस से अगले वाला पीस 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। ऐसा फिर इसको ऐसे काट लेते हैं। ये 1/2 इंच इसलिए एक्स्ट्रा लेना होता है, आगे वाले पीस में चुन्नट डाली जाती है, ये फिर छोटा पड़ जाता है। जैसे कि हमारे दोनों पीस निकल गए। इसके बाद हमें बाजू निकालनी होती है। ऐसे कपड़े को ऐसे मोड़ के और जितनी आपको बाजू की लंबाई लेनी होती है, जैसा कि हम 5 इंच की बाजू बनाएंगे उसके लिए हमें 6 इंच कपड़ा लेना होता है। इसको ऐसे पहले काट लेंगे। इसके बाद जैसे कि हमारी ये 6 इंच की बाजू है, इसके लिए हमें ऊपर से ऐसे 3 इंच का निशान लगाना होता है। इसके बाद इस निशान को ऐसे ऊपर मिलाना होता है जहां पे बाजू का ऊपर का सिरा होता है। ऐसे इसके लिए नीचे से 3 इंच छोड़ के ऊपर 1/2 इंच का निशान लगाना होता है। ऐसे फिर इस निशान को नीचे वाले से ऊपर को ऐसे गोलाई में, हल्का सा गोलाई में ऐसे ऊपर तक मिला लेते हैं। इसके बाद हम ये बाजू की कटिंग कर लेते हैं ऐसे। और जैसे कि हमें बाजू की गोलाई 6 इंच करनी होती, मतलब 6 इंच ऐसे गोलाई 12 इंच और निशान हम 6 इंच पर लगाएंगे एक साइड का।
उसके लिए हमें ऐसे 7 इंच पर निशान लगाना होता है, 1 इंच एक्स्ट्रा अंदर आ जाता है। इसके लिए हमें ऐसा टेढ़ा करके निशान को यहाँ तक ऐसे टेढ़ा काट लेना होता है। फिर जैसे कि आगे वाले पीस है, उसके लिए जैसे कि हमने 1 इंच का निशान ऊपर लगा था, ऐसे ही हम 1 इंच का निशान नीचे लगाएंगे। फिर इस निशान को भी ऊपर से यहाँ से ऐसे गोलाई में नीचे तक मिला देंगे। और जैसे बाजू के हमारे ये 2 पीस हैं, इसको उठा के ये आगे वाले हिस्से में जोड़े जाते हैं, इसको ऐसे कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे बाजू का आगे वाला हिस्सा हो गया। इसके बाद हमें ब्लाउज के पीस में से पीस निकालने होते हैं। उसके लिए ऐसे ही कपड़े को डबल करके, और जो हमारे बैक वाले पीस थे दोनों खुले, इसको ऐसे इस पे रख के इसकी कटिंग कर लेते हैं, इसके बराबर बराबर। ये हमारे बैक वाले पीस हो गए। इसके बाद जैसा कि ये हमारा आगे वाला पीस है, इस पीस को भी ऐसे रख के इधर से जिधर ऐसे जोड़ नहीं होता, उस साइड से आगे वाले पीस निकाले जाते हैं। इसको भी ऐसे रख के इसके ऊपर, और बिल्कुल सेम इस जैसे ही कटिंग कर देते हैं। इसके बाद जैसे हमें फिटिंग के निशान लगाने होते हैं, जैसा कि हमें फिटिंग के निशान ऊपर से नीचे ऐसे 10 इंच पर लगाना होता है, ऐसे। और यहाँ वाली चौड़ाई हम 3 इंच 3.5 इंच लेंगे। और जो हम यहाँ कंधे वाली प्लेट डालते हैं, वो ऐसे नीचे से 3 इंच पर, 3 या 3.5 इंच पर निशान लगाते हैं। उसके लिए इस निशान से इस निशान तक ऐसे ही हमें ये मिलाना होता है। जैसे हमें ये निशान इस निशान तक ऐसे मिला दिया, इसको फिर ऐसे हम सीधा कर देंगे। इसके लिए हम ऐसे हल्की सी गोलाई, ज्यादा नहीं, 1/2 इंच ऐसे, इसको ऐसे इस निशान से मिला के नीचे तक हम इसकी कटिंग कर देंगे। ऐसे दोनों पीस, अस्तर वाले पीस भी और ये वाले पीस भी। ये हमारे आगे के पीस हो गए। इसमें जोड़ लगाने के बाद इसमें पाइपिंग लगाई जाती है, और उसके बाद हम इसमें पैड लगाएंगे। ये कटिंग हो गई। इसके बाद हमें बाजू की कटिंग करनी होती है। जैसे कि हमारी ये नीचे ये लेस है, लेस वाली की बाजू बनेगी। इसको हमें ऐसे डबल मोड़ के ऐसे, इसकी 4 तह हो गई, इसको ऐसे मोड़ के इसके ऊपर ऐसे इन बाजू को रख के और ऐसे ही इसकी कटिंग कर देते हैं। और इसमें भी जैसे ही हमारे आगे वाले हिस्से है, इसमें भी हमें ऐसे ही एक साइड के पीस में ऐसे ही 1/2 इंच का निशान लगा के ऐसे
नीचे से 3 इंच पर, और ऐसे ही हल्की गोलाई देनी होती है जैसे कि हमने अस्तर वाले बाजू में दी है। अब ब्लाउज की कटिंग तैयार हो गई। अब मैं आपको सिलाई करने का तरीका बताऊंगी। इसकी सिलाई करने के लिए हमें सबसे पहले अस्तर के जो हमने ये कटिंग की है इसको जोड़ना होता है। इसको जैसे भी हमने काटा है उसी शेप में इसकी सिलाई होगी। ऐसे इसको ऐसे रख करके और नीचे से ऐसे जैसे भी गोलाई में कटिंग है ऐसे ही इसकी सिलाई करी जाएगी। जैसे कि हमारी गोलाई है इसमें गोलाई में सिलाई करने में थोड़ी परेशानी आती है, तो आप ऐसे थोड़ा हल्के हल्के हाथ से ऐसा ही थोड़ा थोड़ा करके तब सिलाई करनी होती है। अगर आप इसको खींचोगे तो इसमें झोल आ जाएगा। जैसे कि ये हमारा एक पीस इसमें जुड़ गया। अब ऐसे ही हम दूसरे पीस को जोड़ेंगे। इसको भी ऐसे उल्टा करके एक पीस इस साइड से जुड़ता है नीचे की साइड से और एक पीस ऊपर की साइड से जोड़ा जाता है। इसको भी ऐसा ही हल्के हल्के से थोड़ा थोड़ा ऐसे गोलाई में लेके तभी सिलाई लगाई जाती है। जैसे कि हमारे दोनों पीस जुड़ गए। कभी कभी सिलाई में थोड़े छोटे बड़े पीस हो जाते हैं, इस कपड़े को एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमारे जोड़ हो गए, इसके बाद हमें इसमें पैड लगानी होती है। जैसे हमने ऊपर से नीचे ये 10 इंच का निशान लगा था ऐसे, और ऐसे ही इधर इस निशान को ऐसे उल्टी साइड करके यहाँ पे पैड लगाए जाते हैं। इसको ऐसे, ये जो हमारा निशान है ये बिल्कुल पैड के बीच में आना होता है। पैड हम इस तरह से लगाएंगे ताकि जोड़ अंदर ब्लाउज में छुप जाए, और जैसे ये बीच में आता है इसको हम ऐसे करके इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगाएंगे। सिलाई करते समय नंबर को बड़ा कर लेते हैं। ध्यान रहे जो हमारा ये निशान है ये बिल्कुल एकदम बीच में ही होना चाहिए। इस सिलाई के बाद हमें इसके चारों तरफ को सिलाई लगानी होती है ऐसे ही बिल्कुल किनारे किनारे पे।
और कपड़े को थोड़ा ढीला रखना होता है। अगर कपड़े में थोड़ी चुन्नटे भी आएगी तो इससे कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी, आप ऐसे थोड़ा हटा हटा के आराम से सिलाई लगा सकती हो। पूरी पैड पे ऐसे ही सिलाई लगाई जाती है। जैसे कि हमने ये पैड लगा के तैयार कर दिया, ऐसे ही दूसरा पैड भी ऐसे ही लगा जाता है। दोनों पैड ऐसे ही तैयार कर लिए जाते हैं लगा के। जैसे कि हमारे दोनों पैड लग के तैयार हो गए ऐसे। ये थोड़ी कपड़े में चुन्नटे आ जाती है, इससे कोई ज्यादा वो नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हमें आगे वाला पीस बनाना होता है, ये वाला। इसके लिए हमें इसके बीच में हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए हमें जैसे कि इसकी बाजू में डिजाइन है उसके ही अनुसार आप पाइपिंग लगा सकती हो। जैसे हमारा ये कपड़ा है, इसको ऐसा टेढ़ा करके ऐसे पाइपिंग निकाल लेते हैं। ऐसे इसको ऐसे पीस को रख के और इसके ऊपर ऐसे जब हम ये पीस जोड़ेंगे तो इसके बीच में हम पाइपिंग को ऐसे मोड़ के और इसे ऊपर वाले कपड़े को भी ऐसा मोड़ के और इसके बीच में इस पाइपिंग को ऐसे रख के। पाइपिंग बारीक होनी चाहिए और फिर इसके ऊपर रख के हम इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगाएंगे। जैसे हमने ये पाइपिंग मोड़ी है, इसके ऊपर हम इस पट्टी को भी, जो ही कपड़ा है जिसमें हम ब्लाउज का पीस जोड़ रहे हैं, इसको ऐसे मोड़ेंगे और पाइपिंग को हल्के से हाथ से खींचेंगे और बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे। पूरा जोड़ हम ऐसे ही पाइपिंग लगा के पूरा जोड़ लगा लेते हैं। जब हम ये ऊपरला कपड़ा मोड़ के करेंगे तो इसको खींचना नहीं, इसमें झोला आ जाता है। बस हल्का सा पाइपिंग को ही खींचना होता है। दोनों तरफ हम ऐसे ही पाइपिंग लगा के इसका जोड़ को जोड़ लेते हैं। जैसे हमने वो पहले वाला पीस जोड़ा है, ऐसे ही हम दूसरे पीस को भी पाइपिंग लगा के ऐसे ही जोड़ लेते हैं। जैसे कि हमारे ये दोनों पीस जुड़ के तैयार हो गए और जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, थोड़ा जोड़ने के टाइम ये आगे पीछे हो जाता है, इसको ऐसे काट लेते हैं। इसके बाद हमें इसका गला बनाना होता है। गला बनाने के लिए हमें पीस को ऐसे मोड़ के जैसे कि हमें 6 इंच का गला बनाना होता है, 6.5 का तैयार करना होता है। उसके लिए हमें ऐसे 7 इंच पे निशान लगाना होता है और गले की चौड़ाई के लिए हमें ऐसे 2.5 इंच का निशान लगाना होता है।
ऐसे 2.5 इंच का। फिर इसको ऐसे इसकी 7 इंच के सूद में ऐसे हम इसको चकोर कर लेते हैं। इसके बाद हम इसको ऐसे ही कटिंग कर देते हैं चकोर गले में ही। और जैसे कि हमने इस गले की कटिंग की है, ऐसे ही हम जो हमारा अस्तर है इसको ऐसे रख के इस पे और इसकी ऐसे सिलाई लगा देते हैं। फिर दोनों पीस को ऐसे उल्टा करके ऐसे रखते हैं। फिर आपको इसमें पाइपिंग या बुकरम नहीं लगानी होती। ऐसे इनको जोड़ लेते हैं, या आप दोनों गलों को एक सार काट के भी जोड़ सकती हो। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप इसका भी कटिंग कर सकती हो, अस्तर का भी। और इसके बाद इसको ऐसे सिलना होता है। इसके चारों तरफ को ऐसे ही बिल्कुल एक सार ऐसे ही सिलाई लगा देते हैं। जैसे कि हमारे गले में सिलाई लग गई, इसके बाद इसको जो अंदर वाला कपड़ा है इसको काट लेते हैं। और जहां पे ये कोने हैं यहां पे ऐसा हल्का सा कट लगा देते हैं दोनों साइड। इसके बाद इसको ऐसा सीधा कर लेते हैं। ये गला बनाने के लिए आपको बुकरम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही अस्तर वाले ब्लाउज के आप सब किसी के भी गले बना सकती हो। इसके बाद इसके ऊपर को ऐसे बारीक सिलाई लगानी होती है। जैसे कि ये गले पर सिलाई लग के तैयार होगा। इसके बाद अगर आप चाहो तो आप ऐसी पाइपिंग गले में भी लगा सकती हो डिजाइन के लिए। जैसे कि इस कपड़े में से हमने पहले पाइपिंग काटी थी और इसमें ऐसे अब भी पाइपिंग बन सकती है। इसमें से आप 1 इंच की ऐसे पाइपिंग काट लेते हैं। इसके बाद अगर आपको लगती है पाइपिंग ऐसे सिंगल छोटी पड़ेगी तो आप ऐसे इसमें जोड़ लगा सकती है। जोड़ लगाने का तरीका ऐसे, जैसे इधर कोना है और इधर कोना है, ऐसे एक दूसरे सिरे को ऐसे मिलाते हैं। जैसे कि हमारी पाइपिंग हो गई, इस पाइपिंग को हम गले पे ऐसे लगाएंगे। पाइपिंग को ऐसा डबल करके ऐसा, और ऐसा पीस को उल्टा करके नीचे पाइपिंग को रखेंगे और ऊपर पीस को रखेंगे और ऐसे बारीक किनारे पे सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग को हल्के से हाथ से खींचना होता है। जैसा कि हमारी पाइपिंग लग के तैयार हो गई। इसके बाद पाइपिंग को ऐसे मोड़ना होता है। ऐसे जो ये हमारी सिलाई है इसको तो ऐसे अंदर करना होता है, पाइपिंग को इसके ऐसे ऊपर लाना होता है और फिर ऐसे बिल्कुल पाइपिंग के एकदम किनारे पे सिलाई लगानी होती है। जब पाइपिंग को ऐसे आप मोड़ते हैं तो इस पाइपिंग को कपड़े को जब सिलाई लगाएंगे तो ऐसे खींच लेना होता है। इससे जो पाइपिंग में थोड़े सलवट आते हैं वे खुल जाते हैं। ऐसे जब हम पाइपिंग को मोड़ते हैं तो हम ऐसे कपड़े को खींच लेते हैं।
जैसे कि हमारी पाइपिंग लग के गला तैयार हो गया। इसके बाद ऐसे जैसे कि ये दोनों पीस ऐसे है, आप इसमें कोई ऐसे कच्ची सिलाई लगा सकती हो ताकि दोनों पीस बराबर रहे। इसके बाद हमें बैक वाले पीस बनाने होते हैं। इन्हें बनाने के लिए हमें सबसे पहले गलाई बनाना होता है। इसके लिए जैसे कि बैक का गला बड़ा पहनते हैं, इसके लिए हमें ऐसे 10 इंच का गला बनाना होता है। अगर आप छोटा पहनती हो तो आप छोटा बना सकती हो। और चौड़ाई आप ऐसे ही 2.5 इंच की लेंगे। अगर आपकी कमर चौड़ी है, आप गले चौड़े पहनती हो तो आप 3 इंच का भी गला ले सकती हो। इसके बाद हमें ये वी शेप का गला बनाना है। इसके लिए आप ऐसे चौड़ाई करके थोड़ा ऐसे 5 शेप में यहाँ तक ऐसे मिला लेते हैं और ऐसे ही ऐसे दोनों पीसों को, ब्लाउज के को भी और अस्तर के को भी, हम इसका गला ऐसे कटिंग कर देते हैं। और इसको बनाने के लिए भी जैसे मैंने आगे वाले पीस का गला बना, आप ऐसे ही बना सकती हो बिना बुकरम के, बिना उसके। ऐसे पहले दोनों पीस ऐसे करके और गले पे ऐसे चारों तरफ को ऐसे सिलाई लगानी होती है। जैसे कि हमने इस गले पे सिलाई लगाई, ऐसे ही हम दूसरे पीस में भी ऐसे ही सिलाई लगा लेते हैं। ऐसे दोनों पीस को मिला के और इसको ऐसे सिलाई लगाते हैं। जैसे कि दोनों गले पर सिलाई लग गई, इसके बाद हमें ऐसा पहले तो इसमें थोड़ा हल्का हल्का ऐसे कट लगा लेते हैं। 3-4 जगह दोनों पीस में ऐसे ही कट लगा लेते हैं। फिर इसके बाद इसको ऐसे पलट के और ऐसे किनारी पे बारीक सिलाई लगा लेते हैं ऐसा। दोनों गले पर ऐसे ही सिलाई लगा लेते हैं। जैसे कि हमारे दोनों पीस पे के गलों पे ऐसे ये सिलाई लग के तैयार हो गया ऐसे। अगर आप चाहो तो जैसे हमने आगे वाले पीस पे पाइपिंग लगाई तो आप ऐसे भी लगा सकती हो पाइपिंग भी। अगर आप लेस लगानी चाहो तो आप ऐसे लेस लगा सकती हो। ये लेस सुई से लगाई जाती है। ऐसे पीस ऐसे नीचे रख के और आप ऐसे बारीक बारीक टांग के सुई से लगाए जाते हैं। ये ऐसे लगाई जाती है, ऊपर मोती मोती चमकेंगे और जो ये नीचे लेस है ये सब अंदर ऐसे अंदर हो जाए। इसके बाद हम इसमें प्लेट डालनी होती है। प्लेट हमें ऐसे, जो हमारा ये खुला पीस है इससे हमें ऐसे 4 इंच दूरी पे प्लेट डालनी होती है। और प्लेट की लंबाई आप 5 या 4 इंच भी कर सकती हो। अगर आप ऊंची ब्लाउज पहनती हो या गला बड़ा है तो आप 4 इंच भी की लंबाई की प्लेट भी डाल सकती हो। ऐसे दोनों पीस में ऐसे ही प्लेट डालेगी। और प्लेट हम ऐसे करके यहाँ से हम ऐसे 1 इंच लेंगे और फिर हम ऐसे इसको नीचे से ऐसे चौड़ी ले करके ऐसे ऊपर ऐसे पतली करके जब प्लेट डालेंगे। दोनों पीस में ऐसे ही प्लेट डालनी होती है। जैसे कि दोनों पीस में ये प्लेट डल के तैयार हो गई। इसके बाद हमें हुक और आई वाली पट्टी लगानी होती है।
हुक्की पट्टी के लिए हमें, जैसे कि इस साइड में हम हुक्की पट्टी लगाएंगे, इसके लिए हमें ऐसे इसकी लंबाई से 1 इंच लंबी पट्टी काटनी होती है। और लंबी पट्टी इसलिए काटनी होती है ताकि हमारा ये ऊपर ये जो गला है ये पान का है, हम इस पट्टी को ऐसे ऊपर तक लगाएंगे, जब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे तो यहां तक आ जाएगी। इस पट्टी को ऐसे सीधी सिलाई लगानी होती है पट्टी लगाने के लिए। जैसे कि ये पट्टी लगे, इसके बाद इसके ऊपर एक सिलाई लगानी होती है ऐसे पट्टी को ऐसे करके, और जो हमारी ये सिलाई है इसको दबाने के लिए ऐसे पट्टी के ऊपर सिलाई लगाई जाती है। जैसे कि हमारी ये पट्टी लग गई, इसके बाद हमें इस पट्टी को ऐसे मोड़ना होता है। जब हम ये पट्टी मोड़ेंगे तो हम इस पट्टी को ऐसे गले वाली शेप देके ऐसे तब सिलाई लगानी होती है। पहले इसको ऐसे मोड़ते हैं, इसके बाद इसको अंदर को ऐसे करके ताकि गले के ऊपर पट्टी ना चमके, ऐसे सिलाई लगानी होती है। ये सिलाई हम बड़ा नंबर करके लगाते हैं ताकि इसके बाद इसमें हाथ से तुरपाई होती है सुई से। ये हमारी हुक वाली पट्टी तैयार हो गई। इसके बाद जो हमारा ये दूसरा पीस है, इसमें हम जिसमें हम आई बनाते हैं वो वाली पट्टी लगाएंगे। इस पट्टी को लगाने के लिए जैसे हमारी यही पट्टी है ये वाली, इसको भी हम ऐसे ही 1 इंच लंबाई से ज्यादा लेंगे, और इस पट्टी को हम ऐसे सीधी साइड लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा पट्टी ली है वो हम ऊपर निकाल देंगे गले की साइड, और इसको ऐसे सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसको ऐसे ऊपर की साइड करके, ये पट्टी एक्स्ट्रा लगती है डबल, इसको ऐसे करके जब हम ऐसे सिलाई लगाएंगे तो इस पट्टी को हम ऐसे अंदर कर लेंगे, ऐसे अंदर करके और ऐसे सिलाई लगाएंगे। इस पट्टी पे 2 सिलाई लगाई जाती है, एक हम ये और एक दूसरी एक्स्ट्रा इसको दबाने के लिए। जैसे ही हमारी दोनों पट्टी लग के दोनों पीस तैयार हो गई ऐसे, इसके बाद हमें दोनों पीस को ऐसे आगे वाले को और पीछे वाले को ऐसे जोड़ना होता है। ऐसे दोनों सिरे को ऐसे मिला के और तब जोड़ना होता है। जब हम सिलाई शुरू करते हैं तो थोड़ी सिलाई करके और पंजे को ऐसे उठा के ऊपर फिर दोबारे से सिलाई करनी होती है, इससे आगे का जो सिरा होता है उससे धागा नहीं टूटता। और ऐसे ही हमें दूसरा पीस भी ऐसे ही जोड़ना होता है, ऐसे कंधे दोनों ऐसे ही जोड़ने होते हैं।
और फिर कंधों के ऊपर एक एक सिलाई और लगा देते हैं। जैसे कि कंधे जुड़ के तैयार हो गए, ऐसे हमारे दोनों पीस तैयार हो गए। इसके बाद हमें इसमें फिटिंग देना होता है। जैसा कि ये हमारे पीस थोड़े ऐसे ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसके लिए हमें पहले इसमें ऐसे सीधा करके कच्ची सिलाई लगानी होती है। इससे दोनों पीस एक साथ रहेंगे और ऊपर नीचे भी नहीं होंगे। ऐसे मशीन का आप बड़ा नंबर करके इसमें कच्ची सिलाई लगा सकती हो। आप चाहो तो चारों तरफ को भी लगा सकती हो। जैसे कि हमने दोनों तरफ कच्ची सिलाई लगा दी और जो इसका ही वो एक्स्ट्रा कपड़ा है, ऐसे दोनों जैसे कि पीस निकल रहा है, इसको हम ऐसे अलग कर देते हैं और इधर से भी। इसके बाद हमें इसमें फिटिंग देनी होती है। ऐसे दोनों पीस को ऐसे रख के जैसे कि हमें ब्लाउज की चेस्ट की चौड़ाई 36 इंच करनी होती है, ऐसे। उसके लिए हमें ऐसे 18 इंच पर निशान लगाना होता है दोनों साइड इतना ही। जैसे हमने 1 इंच का इधर लगा, 1 इंच का ही इधर लगेगा, ऐसे 18 इंच। और जैसे कि हमारी कमर की फिटिंग 28 इंच करनी होती है, उसके लिए हमें ऐसे दोनों साइड से इतना ही छोड़ के ऐसे 14 इंच पर निशान लगाएंगे, ऐसे। और फिर इसको ऐसे ऊपर से नीचे इसको ऐसे आपस में ऐसे मिला लेते हैं। इसके बाद इसमें ऐसे फिटिंग का निशान सिलाई लगानी होती है। दोनों साइड में हम ऐसे ही सिलाई लगा लेते हैं जैसे हमने अपने फिटिंग का निशान लगाया है। जैसे कि हमारी फिटिंग की सिलाई लग के दोनों तरफ से तैयार हो गई। अब इसको ऐसे सीधी करके ऐसे ये हमारी ब्लाउज तैयार हो गई। जैसे कि अगर आपको कंधे छोटे लगते हैं या जैसे कि ये कटिंग थोड़ा ऊपर नीचे आ जाता है, तो आप इसकी कटिंग दोबारा भी कर सकती हो। जैसे कि ये कपड़ा एक्स्ट्रा सिलाई देते समय बाहर आ जाता है, ऐसे। और ऐसे ही आप इसको नाप के ऐसे, जैसे कि ये ऐसे 2.5 इंच के है, आप इधर भी ऐसे ही 2.5 इंच के निशान लगा के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको ऐसे काट लेते हैं। और इसके बाद हमें जैसे हमने बाजू की ये कटिंग की थी, ऐसे ही हमें 1 इंच का निशान लगा के ऐसे, जैसे ये पाइपिंग है, इस पाइपिंग पे हमें ऐसे 1 इंच का निशान लगा के और इसको ऐसे करके कंधे के जोड़ से मिला के इसको ऐसे ऊपर इस कटिंग तक मिला देते हैं। और ऐसे ही आप इधर भी ऐसे 1 इंच का निशान लगा के
और फिर ऐसे इस जोड़ से ऊपर ऐसे गोलाई देके और कंधे के कटिंग तंग ऐसे मिला लेते हैं। इसके बाद ऐसे ऊपर वाला पीस पकड़ के इसकी ऐसे कटिंग कर देते हैं। और ऐसे ही इस साइड से भी ऐसे ये हमारी दोनों कंधों की कटिंग तैयार हो गई। इसके बाद हमें नीचे से इसको पहले फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड आप जैसे कि हमने 14 इंच तैयार करनी होती है ब्लाउज, ऐसे 14 इंच जो हमारा ये 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम ऐसे फोल्ड कर देते हैं। ऐसे बड़ा नंबर से इसको फिर हाथ से तुरपाई कर लेते हैं। जैसे ये हमने नीचे से फोल्ड करके ब्लाउज तैयार कर दी, इसके बाद हमें बाजू तैयार करनी होती है और बाजू लगानी होती है। जैसे ये हमारी बाजू है और ये अस्तर है। जैसे कि ये इधर कटिंग है और इसकी भी इधर ही कटिंग है, इसको हम ऐसे ही जोड़ना होता है। जोड़ने के लिए हमें ऐसे अस्तर को ऐसे मोड़ना होता है, फिर इसके ऊपर ऐसे रख के सिलाई लगानी होती है ऊपर की साइड। ऐसे ध्यान रहे नीचे का अस्तर कि सिलाई नहीं छूट पाए और ये मोती से इधर सिलाई लगेगी। दोनों बाजू के अस्तर को ऐसे ही जोड़ना होता है। जैसे कि हमारे दोनों बाजू पे अस्तर लग के तैयार हो गया। इसके बाद आप चाहो तो ऐसे बड़ा नंबर करके इसके चारों तरफ सिलाई लगा सकते हो, इससे आपको बाजू लगाने में आसानी रहेगी। ऐसे इससे अस्तर ऊपर नीचे नहीं होगा और बाजू भी आराम से लग जाएगी। दोनों दोनों बाजू के अस्तर में हम ऐसे ही कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। जैसे कि हमने दोनों बाजू के अस्तर के सिलाई लगा दी, जो ये एक्स्ट्रा है कपड़ा है इसको ऐसे निकाल लेते हैं। और ऐसे ही इस बाजू को भी इसके बाद हमें इसके ऐसे सिलाई लगानी होती है बाजू की गोलाई के लिए। जैसे कि हमें बाजू की गोलाई चारों तरफ की 12 इंच करनी होती है, उसके लिए हमें ऐसे 6 इंच पे निशान लगाना होता है। और जैसे कि हमारे ये मुड्ढे हैं, हम इनकी इनकी गोलाई इसके हिसाब से करेंगे। आप ऐसे निशान लगा के ऐसे मुड्ढों को मिला के और मुड्ढों से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, ताकि जो इसमें गोलाई है ये इसकी लंबाई में आ जाती है। और फिर इस निशान को ऐसे मिला के इसमें ऐसे ही सिलाई लगाते हैं। दोनों बाजू में हम इसी तरह से सिलाई लगाते हैं।
जैसे कि हमारी दोनों सिलाई लग के बाजू की तैयार हो गई, बाजू तैयार हो गई। इसके बाद हमें बाजू को ब्लाउज में जोड़ना होता है। जैसे ये हमारी थोड़ा ये कपड़ा एक्स्ट्रा निकल के चौंची बन जाती है, इसको आप ऐसे बाद में कटिंग कर सकते हो और ऐसे ही इस बाजू का जैसे ये निकल जाता है, इसके लिए आप इसको ऐसे दोबारा कटिंग कर सकते हो। इसके बाद हमें बाजू को लगाना होता है ऐसे, जैसे इस वाले को जिधर हम कटिंग करते हैं वो वाली साइड ऐसे ऊपर की साइड आती है अगले पीस की साइड। इसको हम ऐसे इस जोड़ से दोनों को ऐसे मिला के और पीस को ऐसे उल्टा कर लेते हैं, दोनों सिरों को ऐसे मिला के और ऐसे ही बाजू की चारों तरफ को ऐसे सिलाई लगा लेते हैं ऐसे। जैसे ऐसे चारों तरफ से बाजू गोल हो गई और हम सिलाई लगाना इस जोड़ से शुरू करेंगे। जिस तरह से हम ये बाजू लगाएंगे दूसरी बाजू को भी हम इसी तरह से लगाएंगे, दोनों बाजू एक तरह इसी तरह से लगा के हम ब्लाउज को तैयार कर लेंगे। जैसे कि हमारे दोनों बाजू लग के तैयार हो गए। ऐसे जैसे ये पैड वाली ब्लाउज हो गई और इसमें चैन ना लगा के हमने पीछे हुक लगाए हैं, ये ऐसे पीछे हुक बंद हो जाएंगे। और जैसे गला बड़ा है, अगर आप डोरी लगाना चाहो तो आप इसमें डोरी भी लगा सकते हो।